अफसाना खान ने की खुद को मारने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दरअसल अफसाना खान ने वाकई में हाथ में चाकू उठाया और खुद का हाथ काटने की कोशिश की। दरअसल घर में एक टास्क चल रहा है जिसमें घर में कंटेंडर्स को वीआईपी कंटेंडर्स बनने का मौका मिल रहा है, लेकिन जैसे तैसे घर में गेम को लेकर बातचीत हो रही है। अफसाना को उम्मीद थी कि उन्हें मिल जाएगा वीआईपी बनने का मौका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद वो लड़ती नजर आई शमिता और बाकी कंटेंडर्स से। कहती दिखाई दी कि मुझे फिर से धोखा दिया और ये बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और इतना ज्यादा भड़क गई कि आपा खो बैठी और चाकू उठाया। वो किचन के पास ही बैठी हुई थी, चाकू उठाया और अपने हाथ को काटने की कोशिश करती दिखाई दी। वहां पर जय भानुशाली बाकी कंटेंडर्स मौजूद थे, उन्हें संभालते दिखाई दिए और कहा ये गलत है, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी और कह रही थी कि मुझे धोखा दिया। अब आपको ये भी बता दूं कि बिग बॉस का इस पर रिएक्शन बड़ा ही साफ और सीधा नजर आया है। बिग बॉस ने सारे घर वालों को बाहर लिविंग एरिया में बुलाया और अफसाना को इस पर खरी खोटी सुनाई और उन्हें घर से बेघर कर दिया है। जी हाँ, ये घर के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है कि ना तो आप किसी और को परेशान कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ना ही खुद को आप हार्म कर सकते हैं। और अफसाना ने खुद को ही हार्म करने की कोशिश की है और स्ट्रिक्टली बिग बॉस ने उन्हें इस बारे में बहुत ही खरी खोटी सुनाई है और घर से बेघर भी कर दिया है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या बिग बॉस एक बार फिर से अफसाना को बिग बॉस के घर में लाते हैं या नहीं। जो भी अपडेट होगी हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। इसी तरह से हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।